हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। इस वीडियो में मैं आप लोग को जो WBSCDCL का मैंने आप लोग को बोला एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा। एंड क्या है फ्रेंड्स, आप लोग बहुत लोग मेरे को कमेंट में लिख रहे हो सर प्लीज़ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कीजिए एंड कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अगर डिस्कशन करते तो अच्छा रहता। तो फ्रेंड्स क्या है, अभी तो आप लोग का फूड का एग्जाम है 27th को, एडमिट कार्ड तो रिलीज हो चुका है। आप लोग डाउनलोड नहीं किए हो तो मेरे पहले वीडियो में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फूड का। तो इसलिए क्या है, आप लोग का फूड का एग्जाम कंप्लीट होने दीजिए, फिर 28 तारीख से मैं एकदम डायरेक्टली आप लोग का WBSCDCL के ऊपर उतर जाऊंगा एंड पर डे आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। RS अग्रवाल का बुक उठा लीजिए या तो राकेश यादव का बुक उठा लीजिए, जो भी पकड़िए, राजेश वर्मा, RS अग्रवाल सब एक ही है। आप लोग DIDS डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशियंसी वो सब ज़्यादा कीजिए, वो सब मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा एंड कहाँ से कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या है, कंप्यूटर के कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग का ये कंप्यूटर मतलब कोई रॉकेट साइंस पढ़ना है ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग को नॉर्मली कंप्यूटर जो बेसिक टाइप है वही सभी आप लोग को पढ़ना है। एंड कंप्यूटर में आप लोग को ऑफिस से कहाँ से आता है, ऑफिस से मैक्सिमम आता है, MS ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहाँ से आप लोग को ज़्यादातर फोकस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को कंप्यूटर के बेसिकली 15 क्वेश्चंस दिए हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे वैसे आप लोग को जस्ट एक एनालिसिस दिया है एंड उसके बाद आप लोग को एक DI भी दिया है, वो मैं सॉल्व भी कर दूंगा कैसे करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कंप्यूटर का, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। कौन से मेन्यू से आप लोग हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर सकते हो, जैसे आप लोग कभी MS वर्ड में काम किए हो तो उसमें आप लोग देख सकते हो अपना, जैसे मैंने आप लोग को ये PDF दिया है, PDF कैसे मैंने बनाया, हेडर एंड फुटर आप लोग का कहाँ पे रहता है, इंसर्ट मेन्यू में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो ऐसे टाइप के फ्रेंड्स क्वेश्चंस आएंगे आप लोग अच्छी तरह से, ये सब बेसिक्स टाइप क्वेश्चन है जिसको MS ऑफिस आता है वो लोग 10 में से 10 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपके 15 में कैसे टाइप के कहाँ से डिफरेंट सेक्शन से लेके आया हूँ, तो 15 क्वेश्चन जस्ट मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा देन आंसर बता दूंगा, नहीं तो फालतू में वीडियो हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए, इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट है टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द अंडरलाइन मेन्यू एंड चूज सिंबल। तो सिंबल में कौन सा आप लोगों को चूज करना पड़ता है, ये आप लोगों को अगेन इंसर्ट क्लिक करना पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंसर्ट। देन थर्ड अंडरलाइन ऑप्शन, फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज यूज टू मूव डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए डॉक्यूमेंट। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, कट पेस्ट मारना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, अंडरलाइन इज एन ऑप्शन इन फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन होता है, स्ट्राइक थ्रो एक आपका ऑप्शन होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्ट्राइक थ्रो। द नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन में है टू इंसर्ट ए चार्ट टू एक्सेल, क्लिक ऑन डैश टेबल। कौन से टेबल में हम लोग को क्लिक करना पड़ता है चार्ट टेबल एक्सेल में लेने के लिए, तो ये आपका करेक्ट होगा, इंसर्ट टेबल में क्लिक करना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंसर्ट। देन सिक्स्थ, शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार इज सिचुएटेड इन डैश बार। कौन से बार में होता है ये शॉर्टकट आप लोगों का, स्टेटस बार में होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्टेटस बार। नेक्स्ट, बुलेट्स एंड नंबरिंग इज इन डैश टैब। बुलेट एंड नंबरिंग कौन से टैब में होता है, ये आप लोग को होम टैब में होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, होम टैब। नेक्स्ट, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द डैश एंड देन सिलेक्ट ओपन। हम लोग को कौन सा क्लिक करना पड़ता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेफ्ट साइड में एकदम एंडिंग के ऊपर में होता है उसको क्लिक करना पड़ता है, देन आप लोग वहां से आप कोई भी सिलेक्टेड फाइल ओपन कर सकते हो, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, MS ऑफिस बटन। देन नेक्स्ट है आप लोग का 9th, कट कॉपी एंड पेस्ट इज इन डैश ग्रुप इन द होम टैब। तो कौन से ग्रुप में रहते हैं ये कट पेस्ट, ये सब कुछ सब आप लोग के क्लिप बोर्ड में रहता है, जो आप लोग राइट से क्लिक करके कॉपी पेस्ट नहीं मारते वही होता है आप लोग का क्लिप बोर्ड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्लिप बोर्ड। देन नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, डैश इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। मतलब एकदम उल्टा, लोअर केस टू अपर केस एंड अपर केस टू लोअर केस को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा केस यूज करते हैं, टॉगल स्विच यूज करते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है टॉगल केस। द नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 times सिलेक्ट। 3 times अगर F8 की को क्लिक सिलेक्ट करेंगे दबाएंगे तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ए, सेंटेंस आएगा आप लोग का, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सेंटेंस। देन नेक्स्ट है 12th, व्हाट इज द शॉर्टकट की कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल आप लोग का निकालने के लिए आप लोग का शॉर्टकट की कौन सा है, यह है कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी, अगर क्लिक करोगे तो आप लोग का कॉपीराइट सिंबल का आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। देन 13th,
What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar? तो आप लोग का स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कौन सा होता है? 8 होता है सबसे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट होता है 72. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 8 एंड 72. 14th, which of the following is graphics solution for word process? Word process में graphics solution कौन सा? ये clipboard है, clip art है. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. द नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्यूटर का. तो ये द की स्ट्रोक कंट्रोल आई, ये कंट्रोल आई इज यूज किस लिए होता है? ये हम लोगों का ये इटालियक फॉर्मेट यूज करने के लिए होता है. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अप्लाइज इटालियक फॉर्मेट टू सिलेक्ट टेक्स्ट. तो ये है फ्रेंड्स, ऐसे टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर में. तो कंप्यूटर आप लोगों को जस्ट मैंने यहाँ पे एनालिसिस दिया कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे. मैं आप लोगों को फूड एग्जाम के बाद कंप्यूटर का एक सीरीज भी लेके आऊँगा, 2-3 वीडियोस में पूरा आप लोगों को कंप्यूटर कंप्लीट कर दूंगा. एंड क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद है आप लोगों का DINDS, रिसर्च एफिशिएंसी एंड डेटा एनालिसिस. ये कैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को देखना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है डायरेक्शन 16 से, मतलब 16 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक आप लोगों का कैसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा. इस टेबल में आप लोगों को क्या करता है, नंबर ब्रैकेट में दिया इन 100, यानी कि अगर यहां पे देखिए चेस पी यहां पे 15 अगर लिखा हुआ है तो यहां पे क्या होगा आप लोगों का 1500 1500 होगा. तो ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन 5 डिफरेंट गेम्स फ्रॉम 6 डिफरेंट स्कूल, जो गेम्स है आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड स्कूल यहां पे PQRSTU ऐसे करके दिया हुआ है. तो वही सब ऐसे इसी टेबल से आप लोग को एनालाइज करके यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिया है वो आप लोग का सॉल्यूशन करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन फुटबॉल, फुटबॉल में टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स करते हैं? तो यहाँ पे देखिए PQRST से, PQ से 24, Q से 26, ऐसे करके सब ये सब टोटल कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, देन उसका एवरेज बोला है. तो एवरेज कितने हैं? टोटल 6 है, फिर आप लोग 6 से डिवाइड कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे आप लोग को मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा, ये सब सिंपल है फ्रेंड्स. एंड फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे DINDS जितने भी है, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी बहुत ही सिंपल आता है, बट क्या है थोड़ा सा लेंदी आता है. तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग पार्ट है, बट यहाँ पे क्या है बहुत लेंदी है, आप लोग को जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसका करेक्ट आंसर है 16 का है 1680, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. देन 17 क्वेश्चन में बोला है बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इन द नंबर ऑफ ऑल बैडमिंटन पार्टिसिपेंट लेस देन दोज इन क्रिकेट. बैडमिंटन एंड क्रिकेट में बोला है, तो बैडमिंटन में कितने हैं टोटल उसको ऐड कीजिए, फिर क्रिकेट में कितना है उसको ऐड कीजिए, दोनों का डिवीजन कीजिए, फिर डिवाइड किससे करना है, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, क्रिकेट के रिस्पेक्ट में. तो क्रिकेट में आप लोग का जितने टोटल है 70.9 है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए, फिर 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला है. तो इसका आंसर होगा 89%, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 18, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन ऑल स्पोर्ट्स फ्रॉम स्कूल आर एंड दोज फ्रॉम स्कूल टी. आर एंड टी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ऐसे करके आप लोग को ऐड करना है. देखिए आप लोग का कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है सबमिशन करने के बाद आप लोग जस्ट ऐड कीजिए. आप लोग का दोनों क्या है बोला है आर एंड टी का, देन आर में टोटल कितना है यहाँ पे लिखा है, टी में टोटल कितना है यहाँ पे लिखा है, दोनों को डिफरेंस कीजिए, आप लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1706. तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी 1760. देन नेक्स्ट 19, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट इन वॉलीबॉल ओवर चेस. अगेन ये फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन की टाइप है यहाँ पे, लेकिन पार्टिसिपेटिंग बोला है, वॉलीबॉल एंड चेस में रिप्रेजेंटेशन दिखाया है. तो यहाँ पे आप लोग का परसेंटेज फाइंड करना है, तो वॉलीबॉल अपॉन वही देन चेस दोनों का डिफरेंस देन मल्टीप्लीकेशन करके इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5%. देन नेक्स्ट आप लोग का 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल टू दैट ऑफ इन वॉलीबॉल. फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, वॉलीबॉल कितने स्टूडेंट खेल रहे हैं, उन लोगों का रेशियो बताने के लिए बोला है. तो यहाँ पे आप लोग का जस्ट टोटल फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं एंड वॉलीबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का 1680 आप लोग फुटबॉल एंड वॉलीबॉल 60 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 28:1. तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक ही था. अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी गलती का क्वेश्चन लग रहा है, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके. एंड प्लीज़ मेरा एफर्ट अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए एंड नोटिफिकेशन बेल को आप लोग क्लिक करके रखिए. एंड यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, मैंने आप लोग को एक नंबर दिया है 9609714558. ये क्या हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, यहाँ पे आप लोग कोई भी कम्पिटेटिव
एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन हो सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं, चार्ज नहीं लगता है यहाँ पे। एंड बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप लोग का हेल्प करने के लिए। इवन क्या है, आप लोग कोई भी अगर क्वेरीज है कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, या WBSEDCL से, या फूड से, या WBCS से, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे क्वेरी आप लोगों का डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।